अरे आलू महंगाई, टमाटर महंगाई, और महंगाई प्याज हो, और योगी मोदी अगर रह जाइए तो पनियों पे लागी ब्याज हो। आप कह रहे हो अच्छे दिन आए हैं, उसमें भी सिलेंडर कह रहे हैं महंगा हो गया है, कौन कह तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, राशन पानी महंगा हुआ हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है, चीनी महंगा हो गया। टमाटर अच्छा राशन मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, ड्यूटी नहीं मिल रही है, चबा रहे कह रहे भूखे मर रहे हैं। गुटखा तुमने दिया पैसे, मोदी ने दिया, तुमने दिया, हम कह देंगे चाचा ना, क्यों तो फिर क्यों कह रहे हो, फिर तो चाहते आप नहीं खाओ गुटखा, आपकी जिंदगी लंबी हो। अच्छा मोदी जी क्या कर रहे हैं, 8 या 7 हजार सैलरी मिल रही है कंपनी में, गांठ काम करवा रहे, आप करके देखिए ना पता चलेगा। अच्छे दिन आए चाचा आपके, अच्छे दिन नहीं खराब दिन आए, और बता दें। हाँ बता दीजिए। 20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं रोडवेज में, आज तक किसी ने भी अच्छे दिन का कोई भी चीज नहीं किया, कंडक्टर ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं किया। आपको मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से सुनाता हूँ, मिल जाएंगे चौराहों पर टर टर करते कंडक्टर। अच्छा, और सरकारों ने कर डाली जीवन इनका बस से बदतर, ऐसी कयामत ढाई इन पर, कर दिया इनको घर से बेघर, और होली दिवाली में भी रह जाते हैं सड़कों पर, रह जाते हैं सड़कों पर। बताइए ऐसे ऐसे लोग 20-20 साल 25-25 साल नौकरी करके इसमें आज 15,000-16,000 में जीवन यापन कर रहे हैं, और आप कह रहे हो अच्छे दिन आए हैं, उसमें भी सिलेंडर कह रहे हैं महंगा हो गया है, कौन कह रहा है, तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, राशन पानी महंगा हुआ हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है, चीनी महंगा हो गया। टमाटर तो महंगा होगा ही, अरे आलू महंगाई, टमाटर महंगाई, और महंगाई प्याज हो, और योगी मोदी अगर रह जाइए तो पनियों पे लागी ब्याज हो, पानियों पे लगी ब्याज। आने वाला दिन आप समझ लीजिए कि वो ऐसा नहीं है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्या करके दिखाए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। डग्गा मार सुनिए, आज 15% रोडवेज का 20-25% लोड फैक्टर आ रहा है, आप मेरे मुद्दे पर बात कीजिए, डग्गे मार इन्हीं लोगों की गाड़ियाँ चल रही है, कभी कोई ध्यान दिया हो बताइए, आप कभी कोई ध्यान दिया हो, कोई सरकार ध्यान दी हो, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, एक हमारे झकरकट्टी में हमारा मित्र मर गया चिल्लाते चिल्लाते, कुछ नहीं हुआ, गया तो भला नहीं हुआ, कोई भला नहीं हुआ रोडवेज, देश का भला कौन करेगा, देश का भला क्या आप कहना चाह रहे हैं, देश का भला देश राहुल गांधी करेंगे, मोदी जी करेंगे, राहुल गांधी नहीं, जो ठेकेदारी प्रथा बंद करेगा, संविदा को नियमित करेगा, प्राइवेटाइजेशन बंद होना, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए, आप लोगों को पक्की नौकरी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो फिर ऐसे रहेंगे, ट्रैक्टर चला के आएंगे 2 दिन में चले जाएंगे, कौन सी रिस्पांसिबिलिटी रहेगी आप बताइए, लेकिन सुरक्षा भी तो दे रहे हैं मोदी योगी, कौन सी सुरक्षा, मेरे समझ में तो यही नहीं आई कौन सी सुरक्षा दी, दंग वाहनों का सुरक्षा हमें दे दिए, दबंगाई खत्म हो गई है, कौन से दबंगाई, गुंडे खत्म हो गए, आप देखिए 50 लोग घूम रहे हैं यहाँ, 50 लोग घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, तो मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे, क्या मोदी जी को 10 में, हमारे आप टॉपिक पे बात कीजिए, हम मोदी और योगी की बात नहीं करना चाहते, देश तो वही चला रहे हैं, 10 में से 0 नंबर क्यों चाचा, क्यों बताओ, आप बताओ, पूछो जवाब, सवाल करो, मोदी जी को 10 में से कहे दीजिएगा नंबर, क्यों दीजिएगा, क्यों पूछो, क्यों सड़क बना दी है मोदी जी, सिलेंडर दे दिए सड़क पे, क्या करेंगे अचार डालेंगे उसकी, सड़क के साथ डालेंगे हम, बताओ, अरे अचार सड़क के साथ डालेंगे, सुरक्षित तो है, जब हमें सुरक्षित नहीं है, राशन तो मिल रहा है, अच्छा राशन मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, ड्यूटी नहीं मिल रही है, चबा रहे कह रहे भूखे मर रहे हैं, गुटखा तुमने दिया पैसे, मोदी ने दिया, तुमने दिया, हम कह देंगे चाचा ना, क्यों तो फिर क्यों कह रहे हो, फिर तो चाहते आप नहीं खाओ गुटखा, आपकी जिंदगी लंबी हो, अच्छा ओ जिंदगी लंबी देख रहे तुम हैं, अच्छा जो भूखे मर रहे हैं उसका कौन देखेगा, तुम मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी क्या देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं मोदी, मोदी ने अंगना मूतना सिखा दिया लोग बाबू, अंगना मूतना सिखा दिया लोग बाबू, हाँ जिनके घर में बहन चो माँ बहन गांव में आकर ही लेटरिन करने, घर में शौचालय बना दिया और क्या, जिनका जिनके हाँ सबके बनाया और क्या, आज गाँव तेरे को आपके घर में शौचालय बने हैं, हम तो अपने उसमें रहते हैं, हमारे घर में कोई नहीं बनाता, हम अपने आप बना, नाम क्या हर्ष,
मोदी जी बढ़िया नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी अब क्यों? अरे आप तो इतने बड़े महाकाल के एकदम नाम लगा के भक्त है, कोई दिक्कत जी के भक्त है, फिर भी कह रहे हैं मोदी जी नहीं आने चाहिए। मोदी जी नहीं आएंगे, रोजगारी देख लो, बेरोजगारी कौन करेगा देश का भला? देश का भला करेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी करेगा क्यों? राहुल गांधी करेगा, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे इंसान को सब पप्पू बताते हैं। गांधी करेगा राहुल हो गया। डबल इंजन की सरकार तो तुम्हारी पत्ता सपा है की बार बीजेपी का, वो मत दिखाइयो, है वो मत दिखाइयो, मुंह मत दिखा देना तुम भी। डबल इंजन की सरकार बनाएगी सरकार, मोदी सरकार आएगी जबरदस्त आएगी अब की बार मोदी। कोई माई का लाल बच्चे हैं? हाँ बच्चे भी हैं। तो सब खुश हैं? भाभी भी सब घर में? कोई रोजगार ही नहीं है। मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं? कोई रोजगार, पढ़े लिखे सब बेकार, रोजगार के तुम गंगा बहा रहे हैं। कहाँ से गंगा बहा रहे हैं बताओ? डिग्रिया दिखाएं, दिखा लो लो सबूत। क्या दिखा रहे हैं चाचा? रिज्यूम दिखा रहे हैं, नौकरी के लिए आए थे ये जा रहे हैं। क्या ये आपका सीवी है? हाँ सीवी है, पढ़ लो देख लो। पढ़े लिखे आप एमए उम्मे किए हुए हैं एकदम, और नौकरियाँ नहीं मिल रही है? कोई नौकरी नहीं, दिखाएं देखो कहाँ से। इतना लोग जो ठेली उली लगा रहे हैं, लगाइए ना ठेली से क्या हो रहा है? ये पढ़ लिख के ठेली लगाएंगे तो ऐसी तैसी होगी क्या? अगर हम पढ़ लिख के ठेली लगाएंगे तो क्या होगा? पढ़ना बेकार है ना हमारा अपना। हाँ आप पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हैं है? तो इनसे बोले ये भी तो पढ़े लिखे, आप लगा लो ठेली। मोदी जी कह रहे थे पकौड़ा बेचना भी, 20 करोड़ रोजगार देने का वो था वादा मोदी जी का, 2 करोड़ सालाना। 1 लाख भी दिया मेरे को बता दो, गिनवा दो, गिनवा दो 1 लाख भी दिया रोजगार तो मेरे को गिनवा दो। रोजगार की बात कीजिए, कितनी हो रही है डीजल पेट्रोल क्यों नहीं है? मैं पाकिस्तान में भी तो महंगाई है, पाकिस्तान की तो छोड़ो ना, भारत की देखो, हिंदुस्तान की बात क्यों करें? हम यहाँ पे रह रहे हैं ना तो यहाँ की बात कीजिए ना, पाकिस्तान की कौन बात? दुनिया में महंगाई, अरे दुनिया में महंगाई है तो यहाँ पे देखिए ना हकीकत में क्या है, क्या किस रेट का हर चीज क्या महंगाई है। टमाटर देख लो, सब्जी देख लो, हर चीज में क्या लग रहा है 24 में चुनाव में मोदी जी पे असर पड़ेगा? देखो वो तो नहीं मतलब है मुझे, पूरा पड़ेगा। राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों? बिल्कुल राहुल गांधी आएगा। क्या करते हो? क्या करते हैं? काम करते हैं और क्या करते हैं? देखो ना राहुल गांधी देखेंगे। हाँ राहुल, ये आपका फैन देखेंगे, फैन वाली बात नहीं है, जो सही करेगा हम उसके लिए बोलेंगे। मोदी जी भी तो कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? 8-7 हज़ार सैलरी मिल रही है, कंपनी काम करवा रहे, आप करके देखिए ना पता चलेगा। हाँ। ये रोजगार दे रहे हैं, सारी ठेकेदारी कर दी, समझ रहे हो ना, सब प्राइवेट कर दिया है कुछ, 12वीं करके घूम रहे हैं ये टट्टे की तरह। कुछ हो रहा है? कुछ होगा हमारा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा और पढ़ लिख लेते। क्या पढ़ लिख लेते? क्यों 12वीं वाले बंदों को नौकरी नहीं मिलेगी क्या? मिलनी तो सबको चाहिए ना। क्यों नहीं? नौकरी इतना लोग कर रहे हैं ना, देखिए सब बैग टांग टांग के सब ऑफिस से आ रहे हैं। हाँ वो दिखाया ना आपको, दिखाया ना, पढ़े लिखे लड़के जिन्हों पढ़ाई करी है वो रिक्शा चला रहे हैं बैटरी, रोजगार कहाँ से चला रहे हैं? दुकान खोल के बैठे बेचारे अपनी, क्या करें? तो मोदी जी ने तो कहा था कि हम रोजगार रोजगार देंगे, तो आपको रोजगार नहीं मिला है? हमें नहीं, रोजगार नहीं मिला। तो 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी जी ने जो वादा किया था चुनाव में? 1 भी नहीं दे रहे, वो तो बिल्कुल 0 अंडा दे रहे हैं। कहा भी नहीं दीजिएगा? नहीं दिया। आप बताइए मोदी जी जो वादा किए थे तो काम किए हैं? 100 में से 20% 25-30% काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा, बाकी नहीं किया। और हमारी तरफ से नंबर की बात है बिल्कुल 0 अंडा, 0 देंगे मोदी, बिल्कुल 0। आप मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? देखो नंबर की कोई बात नहीं है, नंबर तो काम ऐसी बात नहीं है, सही भी करा है उन्होंने। हाँ। पर ये जो बेरोजगारी है ये हकीकत में ही है, बेरोजगारी हकीकत में। नंबर बताइए, कह रहे बता रहा हूँ आप युवा, अब इलेक्शन पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो गया बीजेपी। ये बीजेपी कराती है, बहुत ज्यादा चल रहा है, बीजेपी कराती है ये जात बिरादरी, बहुत ज्यादा चल रहा है ये बजरंग दल। ये क्या चीज है ये बजरंग दल? क्या चीज है ये? गुंडागर्दी चल रही है भगवान के नाम पे। तो महाकाल के भक्त हैं? नहीं नहीं, महाकाल वाली बात नहीं है, देखिए हम भाई भाई हैं। देखिए और बताओ, का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, और इंसान के अंदर अगर वो ही नहीं रहेगा ना तो धर्म परम गया तेल लेने, कोई धर्म नहीं है। सही बात है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। हाँ, इंसानियत। आपका नाम क्या है? हर्ष। आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ और हर्ष दोनों दोस्त हैं? हाँ दोस्त हैं। कब से दोस्त हैं? बहुत पहले, बहुत पुराने। जात बिरादरी का कोई लेन देन जो टीवी में हिंदू मुसलमान चलता था आपके ऊपर असर नहीं पड़ा? नहीं कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं पड़े। मेरा भाई है तो नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? हमें क्यों पड़ेगा? हमारा दिमाग सही है ना, और सबके कहने से थोड़ी नहीं हो जाएगा। जिसके जिसके दिमाग खराब होता है वही हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये तो सब मुद्दा है, ये सब है ना दंगा है ना, सरकार कराती है इलेक्शन जीतने के मारी, बार बार हिंदू मुस्लिम कराएंगे। सोच रहा दोबारा आ जाऊंगा, अब नहीं आएगा मोदी, पत्ता सपा कांग्रेस की सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, और यहाँ से
लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों के दिलों की बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के समर्थन में हो चाहे वो सरकार के विरोध में हो। जनता किस तरीके से सोचती है, जनता किस तरीके से देखती है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।